तो लास्ट क्लास में बच्चों हम लोग क्या कर रहे थे, लाइसोसोम, लाइसोसोम ठीक है, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडीज है ना, सेकेंडरी लाइसोसोम सारा हम लोगों ने कर लिया था डायग्राम के थ्रू, बता दिया था मैंने। अब आप लिखो लाइसोसोम्स में, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय क्रिस्टियन डी दुबे, लिखवा दिया था तीन पॉइंट, लास्ट वाला पॉइंट बोलो, शोज पॉलीमॉर्फिज्म है ना, प्राइमरी सेकेंडरी रेजुअल रेजिडुअल बॉडी एंड ऑटोफाइजिक वेसिकल्स, यहां तक लिखवा दिया था। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखिए तेजस्विनी, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बेटे, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ऑटोलाइसिस ऑफ सेल बाय लाइसोसोम्स, ऑटोलाइसिस, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लिखो कुछ लाइसोसोम में, नेक्स्ट पॉइंट लिखो ऑटोलाइसिस ऑफ सेल बाय लाइसोसोम, लाइसोसोम कॉमा समटाइम कंप्लीट सेल डाइजेस्ट, समटाइम्स कंप्लीट सेल डाइजेस्ट, वैसे तो रेजिडुअल बॉडीज को ये करता है सेल डेबरी को, लेकिन समटाइम्स कंप्लीट सेल डाइजेस्ट, सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, हाँ एस यू आई सी आई डी ए एल, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, लिख लिया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, हेल्प इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव जूस बाहर आते हैं सेल से और डाइजेस्ट करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बाय रिलीज एंजाइम आउटसाइड, हेल्प इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन बाय रिलीज ऑफ एंजाइम्स, रिलीजिंग एंजाइम आउटसाइड बाय एक्सोसाइटोसिस, बाय एक्सोसाइटोसिस, नेक्स्ट पॉइंट, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का भी फंक्शन हो सकता है इसका, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे आल्सो हेल्प इन, सर रिपीट वन पॉइंट क्या, ऑटोलाइसिस ऑफ सेल बाय लाइसोसोम समटाइम कंप्लीट सेल सेल डाइजेस्ट सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, दूसरा मैंने बोला हेल्प इन एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बाय रिलीज एंजाइम आउटसाइड बाय एक्सोसाइटोसिस, एंड नेक्स्ट वन इज ऑल्सो हेल्प इन इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है बेटा, टेडपोल में जो फ्रॉग बनता है आगे चल के, उसके सेल्स जो डैमेज होते हैं तो कौन डैमेज करता है उनको, बर्स्ट करता है लाइसोसोम, हाँ ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस में लिखो, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग रिमूवल ऑफ टेल टी ए आई एल, ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग रिमूवल ऑफ टेल टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कैथेप्सिन, कैथेप्सिन सी ए टी एच ई पी एस आई एन, कैथेप्सिन, कैथेप्सिन ये एक्चुअल में क्या होता है, प्रोटीएज होता है बेटा, ये प्रोटीएज मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कैथेप्सिन इन ब्रैकेट प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, प्रोड्यूस्ड बाय लाइसोसोम, भाई सेल में प्रोटीन डाइजेस्ट हो जाएगी तो मेम्ब्रेन टूट गई, सारे बायोमोलिक्यूल्स बाहर आ जाएंगे, हाँ प्रोड्यूस्ड बाय लाइसोसोम्स,
यहां तक लिख लिया, और डायग्राम आप लोगों ने बनाया है ना अच्छी तरह से। अच्छा, प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम आप जानते हो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, गाउट इन ह्यूमन, गाउट जानते हो गठिया, GOUT गाउट, गठिया डिजीज, ज्वाइंट्स में पेन होती है जो, हाँ लिखो पहले, गाउट इन ह्यूमन इज ड्यू टू इन्फ्लॉमेशन, इन्फ्लॉमेशनिंग या माल फंक्शनिंग लिखो, माल फंक्शनिंग। गाउट, GOUT, गाउट इन ह्यूमन इज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स, माल फंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स। क्यों? जो जो बेटा फ्लूड का सेक्रेशन करते हैं जो, उनको ये डैमेज कर देते हैं, फिर फ्लूड का सेक्रेशन कम हो जाता है, फिर गाउट डिजीज हो जाती है। हाँ, के और भी कई सारे रीजन है, उनमें से एक ये भी रीजन है, हाँ माल फंक्शन अब लाइसोसोम के कारण भी गाउट पॉसिबल। कई तरह के हैं। आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट में पढ़ोगे, आप लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में बेटा, मसल्स वाले चैप्टर में ना, बोन वाले, इंडो स्केल्टन, उसमें डिसऑर्डर पढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लाइसोसोम्स मेक स्पॉर्म लाइसिन, लाइसोसोम मेक स्पॉर्म, SPERM, स्पॉर्म लाइसिन, स्पॉर्म लाइसिन, LYSINE, स्पॉर्म लाइसिन क्या होता है? ऐसे नहीं, प्लस टू में आप पढ़ोगे बेटा, सीमेन का पार्ट है ये, चलो बाद में हम लोग इसको पढ़ेंगे प्लस टू में, हाँ सीमेन में, सीमेन का पार्ट है ये, हम लोग पढ़ेंगे प्लस टू में। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, स्टोरेज डिजीज, स्टोरेज डिजीज, स्टोरेज डिजीज, इन सर्टेन रीजन्स ड्यू टू सम माल फंक्शनिंग, इन सर्टेन रीजन ड्यू टू सम माल फंक्शंस, इन सर्टेन रीजन ड्यू टू सम माल फंक्शन, द रेजिड्यूअल बॉडीज, रेजिड्यूअल बॉडी आप जानते हो, द रेजिड्यूअल बॉडीज डू नॉट अंडरगो एक्सोसाइटोसिस, द रेजिड्यूअल बॉडीज डू नॉट अंडरगो एक्सोसाइटोसिस, इनस्टेड दे रिमेन इन, इनस्टेड दे रिमेन इनसाइड द सेल्स, दे रिमेन इनसाइड द सेल्स एंड कॉज डिजीज, एंड कॉज डिजीज, हाँ लाइक हिपेटाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस एक्सेट्रा। दे के बाद क्या है सर? दे के बाद दे रिमेन इनसाइड द सेल्स एंड कॉज डिजीज। अभी मत, बी एक्चुअल वही ज्यादा है ना, हिप, HEPATITIS, HEPATITIS, हिपेटाइटिस, पॉलीनेफ्राइटिस, अलग डिजीज है ये, पॉलीनेफ्राइटिस एक्सेट्रा, ठीक है, एंड ऑल्सो एजिंग ऑफ सेल्स, एंड ऑल्सो एजिंग, एजिंग ऑफ सेल्स इज ड्यू टू देम, इज ड्यू टू देम। हाँ सेल्स का। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ल्यूकोसाइट्स ग्रैनुल्स, ल्यूको ग्रैनुलोसाइट्स में और एक ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं ना,
तो ड्यू टू लाइसोसोम्स होते हैं। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ हाँ बिल्कुल, ल्यूकोसाइट ग्रैनुल्स, ग्रैनुल्स ल्यूकोसाइट्स ग्रैनुल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम, ल्यूकोसाइट्स ग्रैनुल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लाइसोसोम्स, ल्यूकोसाइट्स ग्रैनुल्स आर डेराइव्ड फ्रॉम लाइसोसोम्स। अब लिखो वैक्यूल्स, वो लाइसोसोम्स होते हैं एक्चुअल में। हाँ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स मैंने बताया था कि सेल में जो बेटा ये सेल है और वैक्यूल बहुत बड़ा होता है यूजुअली प्लांट सेल में, आप जानते हो 90% के आसपास। हाँ और ये, हाँ ये है वैक्यूल। तो यहाँ ये क्या है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। तो फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू वैक्यूल आयंस का मूवमेंट होता रहता है, आयंस यहां से यहां जाते रहते हैं, स्टोर होते रहते हैं। हरिओम। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहां से यहां भेजी जाती हैं एक्टिवली। ये जो ट्रांसपोर्ट है मतलब साइटोप्लाज्म में बढ़ जाएगा तो यहां भेज दिया जाएगा। तो ये एक्टिवली, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजी जाएंगी बेटा। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल या परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल के बीच में। तो ये जो मेम्ब्रेन है ध्यान देना, ये कैसी है, सेलेक्टिवली है, सेलेक्टिवली परमिएबल। अब सेलेक्टिवली परमिएबल है बेटा, और इसका नाम अगर प्लांट वैक्यूल है तो इसका नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। ठीक है, टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल में ये नहीं होता, एनिमल सेल में फूड वैक्यूल होता है। तो ये जो वैक्यूल है बेटा ये नॉन साइटोप्लाज्मिक है, मतलब नॉन लिविंग हम बोल सकते हैं, लेकिन वैक्यूल के अराउंड जो मेम्ब्रेन है वो लिविंग है, समझ रहे हो ना। हाँ तो अब लिखिए पैसिव होना चाहिए सृष्टि, ट्रांसपोर्ट तो पैसिव होना चाहिए। चलो पैसिव होना चाहिए, क्यों होना चाहिए और एक्टिव क्यों होना चाहिए। एक्टिव तो बेटा हमेशा वहां पे होता है जहां पे अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमको भेजना है। तुझे किसने कहा कि बाहर हाई है, कहां पे, एक बात बता, यहाँ पे आयंस चले आए जा रहे हैं बहुत सारे मटेरियल्स, कोई भी हम एक्स मटेरियल के बारे में बात कर रहे हैं, आयंस भी हो सकता है कुछ भी हो, ये बढ़ता जा रहा है साइटोप्लाज्म में, हार्म करेगा, नुकसान करेगा अभी, लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो इसको स्टोर में रूम में रखना है कि नहीं रखना है, और पहले से ही यहाँ पे पड़े हुए हैं ये मटेरियल, तो हायर यहाँ पे लोअर बाहर है, तो इसको यहाँ पे रखना जरूरी है। सेल फेंक तो देगा नहीं, बाहर फेंक देगा, फिर जरूरत पड़ेगी तो कहां से लाएगा, फिर तो स्टोर रूम है ना ये, तो हाँ फिर यहां से यहां भेजेगा तो हायर टू लोअर भेज रहा है कि लोअर टू हायर भेज रहा है, लोअर टू हायर भेज रहा है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। भाई हम हायर और लोअर तो हमेशा रिस्पेक्ट में ही बोलते हैं, एक आदमी चाहे करोड़पति हो जंगल में बैठा हो, ठीक है, और एक आदमी मार्स पर बैठा हो, दोनों को तुलना करेंगे तभी तो हम बता सकते हैं कौन गरीब है कौन अमीर है। हाइपर और आइसोटोनिक सोल्यूशन हमेशा कंपेयर करते हैं, एक अकेली सेल है ना, तो वो हाइपर है नहीं, वो हाइपर है नहीं, आइसो है, समझ गए बात। हाँ तो बाहर लोअर है, समझ में आया सृष्टि। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बोलो ठीक है बेटा। तो लिखिए वैक्यूल्स आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज, वैक्यूल्स आर नॉन साइटोप्लाज्मिक एरियाज।
in bracket space non cytoplasmic areas in bracket space present inside the cytoplasm which are separated from specific membrane Next point, vacuoles are four types. Sap vacuoles, contractile vacuoles, बोलो आगे, food vacuoles. और बोलिए एयर वैक्यूल या गैस वैक्यूल कहाँ पढ़ा है भाई? गैस वैक्यूल या एयर वैक्यूल कहाँ पढ़ा है? नहीं, एयर वैक्यूल कहाँ पढ़ा है आपने, बताओ जरा हमें, याद हो किसी को तो? हाँ, किसी बच्चे को याद है मैंने आप लोगों को कहाँ पढ़ाया है? वो तो कैविटी है. बताओ. मीसोसोम? नहीं, थोड़ा सा आगे बढ़ बेटा, तू 99% पहुंच चुकी है महिमा, बता. मोनेरा में बताया था मैंने, यू बैक्टीरिया में बताया था, इंक्लूजन बॉडीज में बताया था, गैस वैक्यूल, पीएसबी एंड बीएसबी, याद आया? तो इतना तो पक्का हो गया कि एयर वैक्यूल ना तो प्लांट ना तो एनिमल कहां पाया जाएगा? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में. चलो लिखो तो. हाँ बिल्कुल बेटा जस्टिन, ठीक है. अब लिखो, पहले हेडिंग दो, नंबर वन सैप वैक्यूल, ये प्लांट में पाए जाते हैं, मतलब वाटर प्लस मिनरल्स आयंस को हम सैप बोलते हैं, है ना? सैप वैक्यूल लिखो, पहला सैप वैक्यूल. सैप मेम्ब्रेन बाउंड, इसमें लिखे मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, TONOPLAST, membrane bound space in cytoplasm and membrane is called tonoplast. हाँ, क्या चीज? हाँ, यही होती है जो वैक्यूल की बात करते हैं ना, वो यही होती है प्लांट. हाँ, लिखिए आगे, लिखो, अगर इन प्लांट सेल एंड कैन ऑक्यूपाई अकर इन प्लांट सेल एंड कैन ऑक्यूपाई, रिपीट द लाइन. अरे बेटा कितना स्लो बोलता हूं. मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. नेक्स्ट पॉइंट, अकर इन प्लांट सेल एंड कैन ऑक्यूपाई 90% of cell volume and can occupy 90% of cell volume. Space के according, volume के according, वो भी plant cell में, animal cell में नहीं. बिल्कुल. Mostly क्या living है? स्पेस की बात करेंगे, अगर पूछता है इस तरह का कोई क्वेश्चन आता नहीं है वैसे. लिस्ट लिखिए, इट इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ सैप
सैप वाटर, सैप वाटर समझ रहे हो ना, वाटर प्लस मिनरल्स है, सैप वाटर SAP सैप वाटर, वेस्ट मटेरियल, सैप वाटर वेस्ट मटेरियल, सैप क्या होता है, वाटर प्लस मिनरल्स आयन जो होते हैं बेटा प्लांट्स में उसको हम सैप बोलते हैं ना, सैप वाटर प्लस कॉमा वेस्ट वाटर एंड अदर सब्सटेंसेस, एंड अदर सब्सटेंसेस विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, विच इज नॉट यूजफुल फॉर सेल, नेक्स्ट पॉइंट, इनसाइड द वैक्यूल, इनसाइड द वैक्यूल, अब डायग्राम देखना जरा, इनसाइड द वैक्यूल, मैं इधर हट जाता हूं, वैक्यूल कंसंट्रेशन ऑफ आयन एंड सब सम सब्सटेंसेस, कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स एंड सम सब्सटेंसेस इज मोर देन द साइटोप्लाज्म, देख रहे हो, मोर देन द साइटोप्लाज्म, इट इज बिकॉज स्टेनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स FACILITATES, it is because स्टेनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयन्स and other materials against concentration gradient. In bracket, active transport, bracket close, बहुत बढ़िया, in bracket active transport, in bracket bracket close, full stop, या active transport in the into the vacuole, active transport bracket close into the vacuole, समझ में आ गया ना, इसको मैं पहले बता चुका था, समझ में आ रहा है ना, सिंपल है, समझा चुका हूं इसको, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, vacuole help in keeping plant cell turgid, पहले रुक जाओ, turgid का मतलब आप लोगों को आता है या नहीं आता है, बताऊं मैं, हाँ सबको पता है, ठीक है, मतलब सेल में वाटर कंसंट्रेशन बढ़ा है तो ये बाहर के तरफ वॉल प्रेशर डालेगी ऐसे, ठीक है ना, टर्जिट का मतलब फूला हुआ, समझ में आया, तुम्हारी तरह निशांत, देखो बेटा इसमें वाटर जो है बाहर के तरफ प्रेशर डालेगा, ठीक है, तो ये सेल, हाँ बेटा ठीक है, समझ रहे हो, स्वेल, तो उसको हम टर्जिड बोलते हैं, अब वैक्यूल से अगर वाटर बाहर निकला तो वो क्या हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा, सर आप भी, वाह जी वाह, क्या बात कही तूने यार, वाह जी वाह, थैंक यू, भाई और कौन हो सकता है, मैंने तो तुम्हें कुछ बोला नहीं, चल निक, वैक्यूल हेल्प इन कीपिंग प्लांट सेल टर्जिड, दस हेल्प इन मेंटेनिंग इट्स शेप, दस हेल्प इन मेंटेनिंग इट्स शेप, ठीक है ना, जो शेप होता है वो वैक्यूल के कारण ही होता है, टर्जिडिटी, टर्जिड के कंडीशन में, एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ सेल, एंड ऑल्सो हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ सेल, एक चीज और है समझ लो थोड़ा सा, वैक्यूल प्लांट सेल के वैक्यूल में बेटा एंथोसायनिन होता है, लिख दूं,
एन तो ए एन टी एच ओ सी वाई होगा, एंथोसाइनिन होता है जो प्लांट को डिफरेंट कलर्स प्रोवाइड करता है, और डिफरेंट कलर्स कहाँ होते हैं, सेपल पेटल्स में होते हैं, फ्लावर्स में, समझ रहे हो, एंथोसाइनिन लिखिए सेफ वैक्यूल में ही। नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, डिफरेंट कलरेशन ऑफ पेटल, डिफरेंट कलरेशन ऑफ पेटल्स ड्यू टू वॉटर सोल्यूबल पिगमेंट, ड्यू टू वॉटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसायनिन, एंथोसायनिन इन ब्रैकेट ब्लू रेड पर्पल ब्रैकेट क्लोज, वो भी होता है, वो ग्रीन कलर क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमो और भी कलर प्रोड्यूस करेंगे, ना 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 कोई, ये अलग है, वो अलग है, पिगमेंट के बाद सर, हाँ पिगमेंट के बाद देखो, पिगमेंट एंथोसायनिन, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट एंथोसायनिन, ए एन टी एच ओ सी वाई ए एन आई एन, एंथोसायनिन ब्रैकेट में लिखो ब्लू रेड पर्पल ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, प्रेजेंट इन वैक्यूलर सैप, प्रेजेंट इन वैक्यूलर सैप। दूसरा लिखो बेटा, सेकेंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के बारे में मैंने खूब बताया है आप लोगों को, बताया है ना, हाँ, तो उसमें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आप पहले से जानते हो, लिखो एग्जाम्पल लिख लो बस, क्या काम करता है आप लोग जानते हो, बताना जरा क्या काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन प्राइमरी फंक्शन होता है, एक्सक्रीशन, ना लिखिए एग्जाम्पल लिख लो सीधे इसका, इन अमीबा, हाँ लिख बेटा जस्टिन, लिखो बेटा, इन इन अमीबा हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, एग्जाम्पल आइए, इन अमीबा, और भी बहुत सारे जगह होता है, यूग्लिना में भी होता है, पैरामिसी में भी होता है, हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। अब है नेक्स्ट लिखो फूड वैक्यूल, नेक्स्ट फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स, इन सम प्रोटिस, इन सम प्रोटिस, पैरामिसे में देखा था आपने फूड वैक्यूल बन रहा था, है ना, इन सम प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल, विच हेल्प इन, अगेन ठीक है बेटा लिख ले, इन सम फूड वैक्यूल में, इन सम प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा जानते हो आप लोग, इन सम प्रोटिस्ट फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाई इनगल्फिंग, मतलब फाइगोसाइटोसिस के थ्रू, ये भी समझा चुका हूं मैं अच्छी तरह से सभी लोगों को, एंथोसायनिन क्या होता है, महिमा रुको अभी लिख लो तो बताता हूं, इनगल्फिंग द फूड पार्टिकल विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड, विच हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं बेटा जो फूड को स्टोर करते हैं, उसको हम फूड वैक्यूल बोलते हैं, ठीक है। अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग एयर, पहले तो क्या पूछ रहे थे, महिमा कौन था, क्या पूछ, एंथोसायनिन बेटा, एंथोसायनिन वैक्यूल में एक पिगमेंट होता है जो वैक्यूल में होता है, और प्लांट को कुछ कुछ प्लेसेस पे कलर प्रोवाइड करता है, ब्लू पर्पल रेड कलर प्रोवाइड करता है, जैसे कि पेटल्स में है ना, वो पिगमेंट होता है, वो भी वो कहाँ होता है, वैक्यूल में होता है, तो वैक्यूल में होता है वो एंथोसायनिन, बाकी सारे पिगमेंट्स जो है साइटोप्लाज्म में होते हैं, ठीक है बेटा। अब लिखो एयर वैक्यूल और गैस वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल, जो प्रोटिस्ट मोनेरा में मैंने आप लोगों को बताया था, एयर वैक्यूल और स्यूडो वैक्यूल्स, और इसी को बोलते हैं हम गैस वैक्यूल्स, तीनों बात एक ही है, ठीक है। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड ओनली इन प्रोकैरियोट्स,
हाँ पहला पॉइंट लिखिए, तो वही हो गया ना, प्रोकैरियोट हो गया। रिपोर्टेड ओनली इन, पहला पॉइंट लिखो, रिपोर्टेड ओनली इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बाल्टी में एक गैस बबल्स जो बन जाते हैं उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन होती है क्या? पानी बाल्टी में रखा हुआ है, उस पानी में देखते हो कि बहुत सारे बबल्स घूम रहे हैं, अगर है पानी डालोगे ऐसे ऊपर से तो अंदर बहुत सारे बबल्स बन जाएंगे, वो हवा के, हवा जो बाहर से गई है ना उसके बबल्स बन गए, तो उस बबल के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन है क्या? नहीं, कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। हाँ, कोई गैस के चारों तरफ तो कोई मेम्ब्रेन होती नहीं, तो लिखिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, नॉट बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, नॉट बाउंडेड बाय, वैसे भी प्रोकैरियोट्स में कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता, बाय सॉरी नॉट बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स सराउंडेड बाई प्रोटीन मेम्ब्रेन, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल्स सराउंडेड बाई अ प्रोटीन मेम्ब्रेन विच कंटेन मेटाबोलिक गैसेस, दीज आर माइक्रोस्कोपिक वेसिकल सराउंडेड बाई अ प्रोटीन मेम्ब्रेन, केवल प्रोटीन की मेम्ब्रेन है ना, प्रोटीन मेम्ब्रेन विच कंटेन मेटाबोलिक गैसेज। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ मेटा, अरे भाई जो गैस बाहर से नहीं आया है, मेटाबोलिक का मतलब क्या, के थ्रू जो गैस प्रोड्यूस हुआ है। हाँ, जैसे कि मान लो ऑटोट्रॉफिक है बैक्टीरिया तो ऑक्सीजन बनाएगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, हाँ सल्फर बनाएगा, सल्फर प्रोड्यूस करेगा, समझ रहे हो? हाँ, क्योंकि ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस तो करता नहीं, लेकिन साइनो बैक्टीरिया है वो गैस वैक्यूल बनाएगा, बिल्कुल समझ रहे हो, वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करता है, तो जो गैस बनाएगा साइटोप्लाज्म में ही तो पाया जाएगा, उसके ऊपर एक प्रोटीन आ जाती है, बस वही है गैस वैक्यूल। और ये भी मैंने लिखवाया था पीएसबी और जीएसबी में ही गैस वैक्यूल्स पाए जाते हैं, अगर आपको याद हो तो। हाँ लिखिए, दे स्टोर गैसेस कॉमा प्रोवाइड बायोन्सी, BOUYANCY बायोन्सी कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये गैस वैक्यूल का फंक्शन है, दे स्टोर गैसेस प्रोवाइड बायोन्सी कॉमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन। आपने एक पिलो आता है बेटा हवा भरने वाला, देखा? आप, मैंने आपको एक डंडा मारा, आपने उससे रोक लिया, तो डंडा रेडिएशन है, समझ गए आप? उसी तरह से वो भी कुछ तो रोकेगा। अब है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ पावर हाउस, सिंगुलर नंबर क्या होगा बेटा, इसका सिंगुलर नंबर क्या होगा, हैं? माइटोकॉन्ड्रियन,
माइटोकॉन्ड्रियन, ठीक है। ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, कुछ दो चार पॉइंट लिखो तो फिर हम इसमें समझाते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई क्या बोले हो ना? हाँ बताओ बताओ, याद हो तो बताओ कोई। बेंदा ना, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाई, हाँ ऑब्जर्व्ड बाई, बोलो अभी भी किसी को टाइम है तो, नहीं चलो लिख लो, कोलिकर, के ओ डबल एल आई के ई आर, कोलिकर इन 19 ईयर, नहीं भी याद रहेगा तो चलेगा, मैं बार बार बोलता हूं, है ना, 1850 नेम माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाई, हाँ नेम माइटोकॉन्ड्रिया गिवन बाई बेंडा, हाँ बढ़िया। इन 1897 माइटोस मीन्स होता है बेटा थ्रेड, और कॉन्ड्रियन मीन्स होता है ग्रेन, थ्रेड लाइक ग्रेन होता है ये, माइटो माइटोस मीन्स लिख लेना थ्रेड, माइटोस MITOS माइटोस। अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट बोला था, है ना, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। अल्टमैन कॉल्ड इट बायोप्लास्ट, अल्टमैन ने इसको बायोप्लास्ट बोला, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया स्पेसिफिक स्टेनिंग जानते हो ना, स्टेन करना, स्पेसिफिक स्टेनिंग STAINING स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड, स्पेसिफिक स्टेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दिस वाइटल स्टेन जैनस ग्रीन, मैं लिखता हूं, वाइटल स्टेन जैनस ग्रीन, JANUS जैनस ग्रीन, जैनस ग्रीन बी लिखना, जैनस ग्रीन बी इज यूज्ड। अच्छा वाइटल स्टेन का क्या मतलब होता है, मतलब स्टेन करने के बाद वो स्पेसिमेन डेड ना होने पाए, उस स्टेन को हम बोलते हैं वाइटल स्टेन, ठीक है ना। चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, वाइटल स्टेन आर दोज स्टेन्स विच डू नॉट किल स्पेसिमेन। ठीक है, उसको हम बोलते हैं वाइटल स्टेन। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, साइज एंड नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मतलब एक सेल में कितने पाए जाएंगे, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल स्टेट ऑफ द सेल। हाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इफ फिजियोलॉजिकली मोर एक्टिव देन
क्या होगा बेटा? हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिल्कुल हैव मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जब मोर नंबर ऑफ होगा बेटा तो साइज क्या होगी, छोटी होगी कि बड़ी होगी माइटोकॉन्ड्रिया की? छोटी होगी, साइज छोटी होगी, बिल्कुल। एंड स्मॉलर इन साइज, एंड स्मॉलर इन साइज, बहुत बढ़िया, सही कर रहे हो, स्मॉलर इन साइज कॉल्ड, इसका एक नाम भी है कॉल्ड, क्या बोलेंगे, जैसा है वैसा ही नाम, कंडेंस्ड स्टेट। अरे वाह बेटा वाह, कंडेंस्ड स्टेट इसको बोलेंगे, कंडेंस्ड स्टेट, बहुत अच्छा किसी ने लिखा था। इफ नेक्स्ट पॉइंट, इफ फिजियोलॉजिकली लेस एक्टिव तो क्या होगा? हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हैव लेस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड लार्जर इन साइज कॉल्ड, इसका भी तो कोई नाम है, एंड कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स बंधना। अरे वाह रे बेटा वाह, ऑर्थोडॉक्स स्टेट, शाबाश, कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स, ओ आर टी एच ओ ऑर्थोडॉक्स स्टेट, ऑर्थोडॉक्स स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, टिपिकली माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज शेप्ड, हाँ सॉसेज शेप्ड, एस ए यू एस ए जी ई शेप्ड है ना, और सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल, और सिलेंड्रिकल, सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल, डायमीटर डायमीटर 0.2 to 1 micrometer, डायमीटर 0.2 बोला मैंने ना, हाँ ठीक है, 0.2 to 1 micrometer, ठीक है हाँ, लेकिन एवरेज क्या होगा? एवरेज 0.5 micrometer, हाँ एवरेज 0.5 micrometer, लेंथ क्या होगा बेटा? 1 to 4.1 लेंथ, लेंथ इसका होगा 1 to 4.1 micrometer, हाँ ये याद करना है, जितना याद करना उतना लिखवा रहा हूं, तो याद ही हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। तो उसमें प्लांट सेल में दो ऐसे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो डबल लेयर्ड बाउंडेड मेम्ब्रेन होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो बाहर बाहर एक मेम्ब्रेन है, हम इसका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखा रहे हैं ना आपको, ये ऐसे, ये देखो, तो ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन है ये, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है बेटा उसकी फोल्डिंग हो जाती है, इनर मेम्ब्रेन, हाँ इनवर्डली, इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऐसे हो जाते हैं,
अच्छा प्लांट सेल में इसी को डिटायोसोम बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को ना। ये देखो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन। हरिओम, इसको बोलते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलोगे? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको बोलेंगे जो स्पेस है बेटा दोनों मेम्ब्रेन के बीच का, इसको बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं बिल्कुल, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, या इसी को और क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं इसको, पेरी माइटो। सर जी आपको कोल्ड हो गया है क्या? बताता हूं अभी, रुक जा। इंटर मेम्ब्रेनल मेम्ब्रेनस स्पेस, और मैंने क्या बोला, पेरी माइटो कॉन्ड्रियल स्पेस, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, इज कॉल्ड बोलिए इसको क्या, क्रिस्टा। हाँ क्रिस्टा, और यहीं पे लिख दो ये क्या है, फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन विच इंक्रीज सरफेस एरिया, फोल्डिंग, फोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन विच इंक्रीज सरफेस एरिया, किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन, है ना, फ्रॉम सरफेस एरिया फॉर मैक्सिमम सिंथेसिस और प्रोडक्शन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, ठीक है। हाँ ठीक है, बता रहा हूं अभी, ठीक है। इसमें बेटा एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक सर्कुलर डीएनए होता है इस तरह से, है ना, प्लाज्मिड के जैसा, ठीक है, ठीक है, नहीं करूंगा। सर्कुलर डीएनए जिसको, ये डीएस डीएनए है, डीएस डीएनए है, और क्या है ये, सर्कुलर है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉन्ड्रोजीन, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्ड्रोजीन, सी एच ओ एन डी आर ओ जी ई एन ई, कॉन्ड्रोजीन, डीएस डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, और इसी के हेल्प से क्या करता है ये, अपने अंदर जो भी जितने भी एंजाइम्स की जरूरत है बेटा सारा कुछ सेक्रेट कर लेता है ना, सो हाँ, सिंथेसाइज इट्स ऑन एंजाइम, सिंथेसाइज इट्स ऑन एंजाइम, हाँ बिल्कुल, सिंथेसाइज इट्स ऑन एंजाइम, अपना एंजाइम खुद ही सीक्रेट कर लेता है, लेकिन एंजाइम का मतलब क्या, प्रोटीन, लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूक्लियस, ऐसा नहीं कि पूरी तरह मनमाना करने लगेगा क्योंकि इसके पास डीएनए है, ऐसा नहीं है ना, बट अंडर द ओवरऑल लिख सकते हो, बट अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ
न्यूक्लियस, है ना, सुपरविजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड, बोलो बैक, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। हाँ, सेमी ऑटोनॉमस, ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है ये, ठीक है। अब डीएनए है बेटा, तो इसमें कहीं कहीं राइबोसोम्स भी पाए जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये राइबोसोम्स, ये राइबोसोम 70S होंगे, मैंने पहले ही आपको बताया था, बिल्कुल सही बात है, 70S। और बेटा ये जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये मैट्रिक्स है कौन सा, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। इसमें जो फ्लूइड है वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स और सरफेस ऑफ द क्रिस्टी हैव ऑक्सीसोम्स, F1 पार्टिकल। हाँ ऐसे, मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा इसको, हम लोग जब रेस्पायरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, है ना, बस दो चार बना देता हूं बस समझाने के लिए। ब्रीदिंग कहाँ हो गया, अभी ब्रीदिंग हो गया, रेस्पायरेशन कहाँ हुआ है, वो तो है प्लांट फिजियोलॉजी में ना। इसको बोलते हैं बेटा ऑक्सीसोम और F1 पार्टिकल, है ना, यही है एक्चुअल में, यही पे एटीपी की सिंथेसिस होती है, ऑक्सीसोम्स और F0 F1 पार्टिकल, F0 F0 बोलते हैं इसको, F0 F1 पार्टिकल बोलते हैं इसको, ठीक है, ऑक्सीसोम या एलिमेंटरी पार्टिकल भी बोलते हैं, और एलिमेंटरी पार्टिकल भी बोलते हैं इसको, और एलिमेंटरी पार्टिकल, ठीक है। इसको एक निकाल के अगर हम देखें तो इस तरह से होता है, ये पढ़ेंगे एक बार और हम लोग, सर साइड साइड ही हूं भाई, ये बेस है, ये स्टाक है बेटा STALK, ठीक है, और ये क्या है, हेड है, ठीक है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के अंदर होता है ऑक्सीसोम। इसका फंक्शन होता है, इसमें ATPase है, ये ATP सिंथेज बोलते हैं, इसी को ATP सिंथेज एंजाइम भी बोलते हैं, बोल सकते हो आप ATP सिंथेज के जैसा भी F1 पार्टिकल बिहेव करता है, जो एक्चुअल में ATP सिंथेसिस में हेल्प करता है। जल्दी जल्दी बनाओ, बनाओ आराम से, एंजाइम इसके साथ लगा है, यही एंजाइम है समझ लो अभी, तो अब हम रेस्पायरेशन और चैप्टर पढ़ाएंगे ना उसमें और अच्छी तरह समझ में आपको आएगा। हाँ लिख लिया, कार्ड के साथ क्या लिखा है, कहाँ बेटा, किस कार्ड, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, ठीक है। अब दो चार पॉइंट लिख लो, दो चार मिनट आपका मैं और लूंगा ताकि माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश हो जाए, प्लास्टिड कल शुरू करेंगे, ठीक है। तो कहाँ पे, हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी एक चीज मैं भूल रहा हूँ भाई, यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जो देखो क्रेब साइकिल के सारे एंजाइम्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना, एक को छोड़ के यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, शायद मुझे नाम भूल रहा है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज है शायद, मार्कर एंजाइम, बिल्कुल वंदना, वाह रे बेटा वाह,
यहाँ पे पाया जाता है, चलो वो बाद में हम लोग देख लेंगे, है ना। क्रेब साइकिल का एक एंजाइम ऐसा भी है जो उसके मेम्ब्रेन जो FADH किसको पकड़ता है, FADH2 को पकड़ता है, ठीक है, उसको सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं, लिख लेना, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अकर इन इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। सक्सिनेट लिख देता हूं, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, इसको मार्कर एंजाइम भी बोलते हैं, मार्कर एंजाइम, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन को हम पहचान सकते हैं कि उसमें, क्योंकि उसमें सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है। दो तीन पॉइंट लिख लो माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया फिनिश कर देते हैं आज। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, बाद में बना लेना, मैं हट जाता हूं, ले सकते हो स्क्रीनशॉट। और क्लियर हो गया, देख लो मैंने कैमरा सही कर दिया। अब लिखिए माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, सॉरी फ्यूजन कर रहा है, फ्यूजन माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फ्यूजन, फ्यूजन, हाँ फ्यूजन, टूट के एक दो दो जैसे हो जाता है बैक्टीरिया में। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड एनारोबिक यूकैरियोट, माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट इन प्रोकैरियोट एंड एनारोबिक यूकैरियोट, मतलब वो सारे एनिमल्स जो केवल एनारोबिकली रिस्पायर करते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि यहीं पे एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है, इसलिए आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, इट इज साइट ऑफ एरोबिक रेस्पायरेशन, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ एरोबिक रेस्पायरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया मे स्टोर एंड रिलीज, माइटोकॉन्ड्रिया मे स्टोर एंड रिलीज, स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड, स्टोर एंड रिलीज कैल्शियम व्हेन रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया डैश देके लिखो, ओनली इन मैटरनल इनहेरिटेंस, ओनली मैटरनल इनहेरिटेंस, मतलब हमको केवल मदर से मिलता है, फादर से नहीं, ठीक है ना। किसी भी प्रोजेनी में माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनहेरिटेंस होता है बेटा, वो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के थ्रू होता है, और उसी को हम मदर इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक सेल से आता है केवल, ठीक है ना, यह मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, तो इस तरह से बेटा। हाँ ठीक है, तो अब होगा हमारा कंप्लीट। माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग दे दो, प्लास्टिड्स, प्लास्टिड्स हेडिंग दे दो बेटे, कल पढ़ेंगे प्लास्टिड्स।